नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, आलम बरज़ख़ में भी रहमत है। आलम बरज़ख़ कौन सा आलम? मैंने पहले समझाया, आलम बरज़ख़ से मुराद मौत के वक्त से लेकर क़यामत तक जब उठना है, ये सारे के सारे हालात वाकियात, ये सारा जो कुछ वक्त इंसान पर गुजरता है, ये आलम बरज़ख़ है। मौत के वक्त फरिश्ते नजर आते हैं, आदमी एक आदमी मुझे पूछने लगा कि बरज़ख़ का मामला शुरू कब होता है, आलम बरज़ख़ कब शुरू होता है? मैंने कहा जब इंसान मौत के आसार देख लेता है। जान निकालने के लिए हजरत इज़राइल आते हैं, हजरत आगे आ जाए बोले मैं किराम तशरीफ फरमा होते हैं तो आगे तशरीफ लाएं, मुझे खुशी होती है, शर्मिंदगी होती है पीछे बैठे हो। तो आलम बरज़ख़ कब शुरू होता है? जब गरगने की कैफियत तारी होती है, जब तौबा का दरवाजा बंद होता है, अब से आलम बरज़ख़ शुरू हो जाता है। अब जो फरिश्ता जान निकालने के लिए आता है, कभी आपने उसको देखा है? नहीं। और जो नाफरमान लोग हैं उनके मुतल्लिक आता है, जब उनकी जान निकाली जाती है, यज़रिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम, फरिश्ते उनके मुंह पर और उनके पीठे पीठों पर जो है मारते हैं। अब कभी नजर आया ऐसा? नहीं आया। ये आलम बरज़ख़ है। बरज़ख़ का मतलब पर्दा, क्योंकि ये सारे के सारे मामला पर्दा, इंसान को नजर नहीं आते। कब्र में जो अजाब होता है ये पर्दा है। एक आदमी मरा पड़ा है, अभी तक दफनाया नहीं है, महीना हो गया है, अल्लाह ने करे वो गुनाहगार है, अब उसको अजाब हो रहा है, ये मतलब नहीं कब्र में जाएगा तो अजाब होगा, बल्कि अजाब हो रहा है। सवाल है हमें नजर क्यों नहीं आता? ये पर्दा है। तो आलम बरज़ख़ के लिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत है। आलम बरज़ख़ में रहमत कैसे है? आलम बरज़ख़ में रहमत ऐसे है कि एक इंसान मुसलमान जब कब्र में जाता है, उससे सवाल होते हैं मां रबू का, मां नबीयों का, मां दीनों का सवाल होते हैं। इसी तरह ये सवाल होता है कि भाई देखो मा कुलता फी हादर रजुल, इस शख्स के मतलब, इस शख्सियत के मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब वो शख्सियत कौन सी है? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनके मतलब सवाल होता है, तुम्हारा इन शख्सियत के मतलब क्या ख्याल है? अब वो शख्सियत क्या कब्र में आती है? बाद लोगों को यह गलतफहमी है कि हुज़ूर हर कब्र में आता है। ना भाई, ना रोज़ा खाली हो जाता है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में रहते हैं। फिर सवाल है कि उस आदमी को क्या वो नजर आते हैं हुज़ूर सल्लम की ज़ात, या फिर ये जवाब कैसे दे पाता है? फरमाया जाता है, सवाल होता है, माकूल तफी हाजर रजुल, इस आदमी को बोले तुम क्या कहते हो? मोमिन आदमी को पता है कि मुझसे अल्लाह पाक की तौहीद के बाद सवाल हुज़ूर नबी पाक सल्लम की ज़ात के मुतल्लिक होगा, या तो वो फौरन जान लेता है कि इसका मतलब है आप सल्लम की ज़ात के ऊपर तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो जवाब देता है वो अल्लाह के नबी, हम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हमारे पैगंबर हैं, वो जवाब देता है। या इसकी तफसीर ये भी बयान की गई है कि जब सवाल होता है माकुलता फी हादर रजुल, तो कब्र से लेकर हुज़ूर नबी पाक सल्लम के रोज़े तक जितने पर्दे हैं ये सारे के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं और हुज़ूर नबी पाक सल्लम की ज़ात अक़दस सामने नजर आती है। हुज़ूर की ज़ात वहाँ से चल कर कब्र में नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में मौजूद होते हैं। कब्र मैयत के हक में कब्र से लेकर आपके रोजे तक सारे के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं और मैयत को हुज़ूर नबी पाक सल्लम की ज़ात दिखाई जाती है। माकुलता फी हादर रजुल, तो मैयत जवाब देती है कि हादा रसूल, हादा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपका वजूद मुबारक नजर आता है और वो जवाब देता है, अल्लाह के अजाब से बच जाता है। आलम बरज़ख़ में रहमतल लिल आलमीन है।